हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए हम ड्राफ्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो इससे पहले सिलाई से रिलेटिव एक क्वेश्चन है, किस दौर में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ? एक में गुप्त काल, दो में लौह काल, तीन में मुगल काल, चार में ब्रिटिश काल। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम अपने ड्राफ्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये साइज है, ये नवजात शिशु का नेपकिन की लंबाई 13 इंच, पीछे का नीचे का किनारा भी 9 इंच, ये भी नीचे किनारा 5 इंच, इसी तरह से छोटा साइज है 16 इंच। ये नोट कर लें, ये मध्य साइज और ये बड़ा साइज। तो मैं बनाऊंगी नवजात शिशु की नेपकिन का। तो एक से दो नेपकिन की लंबाई लेना है, तो नेपकिन की लंबाई है 16 इंच, तो हम इसका लंबाई हम 16 इंच लेंगे, एक से दो इस तरह से सीधा लाइन ले लेना है, एक से ये दो हो गया। उसके बाद एक से तीन नेपकिन की चौड़ाई लेना है, जो ये पीछे का किनारा है 13 इंच, तो इसका हम आधा करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो हम एक से तीन 6.5 इंच लेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 से 4 नेपकिन की लंबाई लेना है, तो नेपकिन की लंबाई 13 इंच है, तो इधर भी हम 13 इंच ले लेंगे इस तरह से। तो ये 3 से 4 हो गया, नंबर डाल देंगे। उसके बाद 2 से 4 नेपकिन की चौड़ाई, वही 6.5 इंच, 13 का आधा, तो ये हमारा 6.5 इंच हो रहा है। तो इसे हम सीधा निशान लगा देंगे और नंबर डाला हुआ है। उसके बाद 3 से 5 2 इंच लेना है, तो इधर 3 से 5 इस तरह से लेंगे, 2 इंच पे निशान लगा के, और ये 5 नंबर डाल देंगे। उसके बाद 4 से 6 भी 2 इंच लेना है, तो 4 से 6 इधर की तरफ लेंगे, तो इस तरह से 2 इंच ले लेंगे और नंबर डाल देंगे। ये नीचे किनारा 9 है, तो इसका हम आधा करेंगे, तो 4.5, ये देखिए 4.5 हो गया। तो इधर हम नंबर डाल देंगे 6 इंच। उसके बाद 6 से 7 2 इंच लेना है, तो ऊपर की तरफ हम 6 से 7 2 इंच लेंगे इस तरह से, नंबर डाल देंगे। उसके बाद 1 से 2 का मध 8 रहेगा, तो यहाँ हम 1 से 2 13 है, तो हम इसका आधा करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो हम 6.5 इंच पे बिंदु डाल देंगे और नंबर डाल देंगे 8 इंच का। उसके बाद अर्थात यदि बीच का ना 5 इंच हो तो 2.5 इंच ले उसका आधा। तो हमें नीचे किनारा इधर वाला 5 इंच है, ये देखिए, तो इसका हम आधा करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, तो इधर हम 2.5 इंच पे निशान कर देंगे। उसके बाद हम नंबर डालेंगे 9 इंच उसके बाद 7, 9, 5 पर गोलाई का आकार बनाना है। तो इस तरह से
गोलाई का आकार बनाना है। इस तरह बना देंगे। अब इसे मैं फिर से चला दे रही हूँ, आप लोग को नजर आ जाए। इस तरह से ये हो गया। इधर से हमारा फोल्ड साइड रहेगा और इसका स्टिचिंग मैं बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ ड्राफ्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार और मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि इस दौर में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था। एक में है गुप्त काल, दो में है लोह काल, तीन में है मुगल काल और चार में है ब्रिटिश काल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।